Today we are going to start the first chapter of Fundamental of Insurance, that is Introduction to Insurance. First of all, what do you mean by insurance? Insurance is basically defined as a contract between two parties where one party agreed to compensate the other party against a loss, against a payment of a consideration. सिंपली अगर हम बात करें कि इंश्योरेंस है क्या, तो देखिए इंश्योरेंस एक तरह से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल लॉस के अगेंस्ट. एक तरह से क्या है ये, एक रिस्क मैनेजमेंट का तरीका है जो बेसिकली यूज़ किया जाता है कि कोई भी अनसर्टेन इवेंट आपके साथ होता है जिसकी वजह से आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस हो या ह्यूमन लॉस हो, ठीक है, लाइफ लॉस हो, तो किसी भी एक तरीका है क्या है, कवर अप करने का, सुरक्षा देने का, ठीक है, किसी भी फैमिली को भी कह सकते हो, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल को कह सकते हो. तो इसमें इंश्योरेंस में आपके बहुत अलग अलग तरीके के, आप ये कह लीजिए, सेफ्टी प्रोवाइड करता है ये फाइनेंशियल लॉस के अगेंस्ट भी और एक पर्सनल या लाइफ लॉस के अगेंस्ट भी. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, दो हाथ है पूरी फैमिली को कवर अप किए हुए, क्योंकि आपको बहुत अलग अलग टाइप का लॉस होता है. एक आप कह लीजिए किसी भी पर्सन को, या फिर बिजनेस का भी हम ले लें, तो बिजनेस में भी फाइनेंशियल लॉसेज होते रहते हैं, पर्सनल लाइफ में इंडिविजुअल की डेथ हो जाए तो उसकी वजह से लॉसेज होते रहते हैं. तो ये अलग अलग टाइप के लॉसेज को कवर अप किया जाता है इंश्योरेंस में, इसीलिए अलग अलग टाइप के आपको इंश्योरेंस भी ऑफर की जाती है. तो इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस मींस एन अरेंजमेंट बाय विच अ कंपनी और द स्टेट अंडरटेक टू प्रोवाइड अ गारंटी ऑफ कंपनसेशन फॉर स्पेसिफाइड लॉस, डैमेज, इलनेस और डेथ इन रिटर्न फॉर अ पेमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड प्रीमियम. अब क्या कहते हैं कि एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी अरेंजमेंट है जहाँ पर एक कंपनी, ठीक है, किसी भी पर्सन को, पर्सन कौन होगा यहाँ पर, जिसका इंश्योरेंस किया जा रहा है, इंश्योर्ड, और जो इंश्योरेंस कंपनी कर रही है, जो कंपनी है वो क्या कहलाएगी, इंश्योरर. तो दो मेन पार्टीज यहाँ पर होती हैं आपकी, दैट इज़ द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड. तो कहते हैं जो इंश्योरर है वो गारंटी प्रोवाइड करता है एक कंपनसेशन की. वो कंपनसेशन किस लिए हो सकता है, मे बी किसी लॉस के लिए, डैमेज के लिए, इलनेस के लिए, डेथ के लिए, किसके एवज में, जो प्रीमियम इंश्योर्ड पे कर रहा है रेगुलर बेसिस पर इंश्योरेंस कंपनी को. इंश्योरेंस इज अ थिंग प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ पॉसिबल इवेंचुअलिटी. कहते कोई भी ऐसा इवेंट ऑक्योर हो जाए जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आपको लॉस क्रिएट कर रहा है किसी भी वे में, तो उसे हम इंश्योरेंस कहते हैं. इंश्योरेंस इज अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, प्रिलिमिनरी यूज्ड टू हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ अ कॉन्टिजेंट और अनसर्टेन लॉस. यही चीज़ यहाँ पर अभी हमने पहले डिस्कस की थी कि एक रिस्क मैनेजमेंट का तरीका है जहाँ पर आपको हेज प्रोवाइड किया जाता है, सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है किसके अगेंस्ट, एक रिस्क के अगेंस्ट जो क्या है, अनसर्टेन है, कॉन्टिजेंट है, कभी भी क्योर हो सकता है, आपको ये नहीं पता वो कब होगा, ठीक है. तो अगर हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ डेफिनेशंस की बात करें, तो दो तरह से हम यहाँ डेफिनेशंस को डिस्कस कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ द लीगल डेफिनेशन एंड द सेकेंड इज़ द फंक्शनल डेफिनेशन. लीगल डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो अकॉर्डिंग टू जस्टिस टिंडल, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ सम ऑफ मनी इज पेड टू द एश्योर्ड इन कंसिडरेशन ऑफ इंश्योरर्स इंक्यूरिंग द रिस्क ऑफ पेइंग अ लार्ज सम अपॉन अ गिवन कंटिजेंसी. यहाँ पे कह रहा है कि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये सही है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ही इंश्योरेंस होता है. तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर एक सम ऑफ मनी पे किया जाता है, किसके थ्रू, इंश्योर्ड के थ्रू इंश्योरर को, ठीक है, किस लिए, कहता है कि अगर उसे मे बी कोई मिस हैपनिंग हो जाए, वो इवेंट ऑक्योर हो जाए जिसके अगेंस्ट उसने रिस्क लिया था, तो उसे वो सम, वो टोटल अमाउंट मिल सके. फंक्शनल डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू गॉश एंड अग्रवाल, इंश्योरेंस इज अ कॉपरेटिव फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अ सर्टेन रिस्क ओवर अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु आर एक्सपोज टू इट. तो देखिए क्या है, इंश्योरेंस को बेसिकली क्या जाता है, एक ऐसा तरीका माना जाता है रिस्क मैनेजमेंट का जहाँ पर आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहे हो बहुत सारे लोगों में. अब देखिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस का, तो लाइफ इंश्योरेंस बहुत सारे लोग करवाते हैं. जो एक कंपनी इंश्योरेंस कर रही है वो आपका सिंगल इंश्योरेंस नहीं कर रही, वो आप जैसे बहुत से लोगों का लाइफ इंश्योरेंस अगर कर रही है, तो
थोड़ा थोड़ा वो प्रीमियम सबसे लेती है एज़ पर द रिस्क जो इन्वॉल्व है उसके अकॉर्डिंग। और फिर वो रिस्क जो है, आप कह लीजिए जब अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है, मे बी कोई मिस हैपनिंग होकर डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में इतने सारे लोगों में जो रिस्क डाइवर्सिफाई हुआ था उस एक इंडिविजुअल का, ठीक है, तब वो अमाउंट उसको पे किया जाता है। ऐसा नहीं है ना कि भाई कंपनी तो फिर लॉस में चली जाएगी टोटली, ठीक है। तो एक डाइवर्सिफाई करने का तरीका है कि भाई 100 में से हर कोई किसी की डेथ नहीं होगी, अगर खुदा न खास्ता एक या दो इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो जो प्रीमियम 100 लोगों से कलेक्ट किया गया था, ठीक है, उसको हम मतलब जो उससे हम उस टोटल अमाउंट को जो जितने का इंश्योरेंस उन्होंने लिया है उसको हम पे कर सकते हैं। तो आप कह लीजिए डाइवर्सिफाई कर रहे हैं रिस्क को, तो इसीलिए इसको एक कोऑपरेटिव तरीका माना जाता है जिससे कि बहुत सारे लोग एक्सपोज हैं उस रिस्क से और उसकी वजह से उन सबको बेनिफिट भी मिलेगा कि उनका रिस्क जो है डाइवर्सिफाई हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू जॉन मैगी अगर देखें, इंश्योरेंस इज अ प्लान वेयर इन अ पर्सन कलेक्टिवली शेयर द लॉसेज ऑफ रिस्क। वही बात यहाँ फिर से कही गई है कि भाई इंश्योरेंस एक ऐसा प्लान है जहाँ पर बहुत सारे पर्सनस हैं, वो अलग अलग तरह का जो भी इंश्योरेंस अपने अकॉर्डिंग लेते हैं और जो रिस्क का लॉस होगा उसको कलेक्टिवली शेयर करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन होता है। नेक्स्ट कहते हैं व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के अगर हम एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है दैट इज़ द इंश्योरर। इंश्योरर कौन है, कहते हैं वो कंपनी, ठीक है, वो आप कह लीजिए वो पक्ष जो क्या करेगा, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, ठीक है, किस चीज़ की, अगर लॉस हो जाता है दूसरी पार्टी को जिसका उसने इंश्योरेंस किया है, ये कोई पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कौन है, जिसने बीमा करवाया है, जिसने इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है, और जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है, इंश्योरर ले रहा है कि अगर मे बी कोई मिस हैपनिंग होगी तो इंश्योर्ड को पे किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ द सम इंश्योर्ड। सम इंश्योर्ड कहता है कि वो पर्टिकुलर अमाउंट जितने का आपने इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है, जितने और ऑब्वियसली बात है जितना रिस्क होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम डिसाइड होता है। तो यहाँ पे सम इंश्योर्ड और प्रीमियम दोनों लिंक है, ठीक है। प्रीमियम किस बेस पर डिसाइड होगा कि आपको कितना रिस्क है, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं आपने कोई जनरल इंश्योरेंस करवाया कि नॉर्मल आपने फायर इंश्योरेंस कराया। फायर इंश्योरेंस में क्या होता है कि कहीं पर आपका कुछ सामान रखा हुआ है, आपको डर लगता है कि उसमें आग लगेगी और नुकसान हो सकता है, तो आप उसका फायर इंश्योरेंस करा लेते हो। तो जितने का सामान होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम डिसाइड होगा कि वो किस तरह का सामान है, क्या जल्दी जल जाता है, कितने तक नुकसान हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम भरा है। सम इंश्योर्ड कितना कि मान लीजिए आपका टोटल वो सामान 2 लाख का है तो आपको 2 लाख रुपए का आपने इंश्योरेंस करा लिया तो वो आपका आएगा सम इंश्योर्ड। एंड द नेक्स्ट इज़ द इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी आपका बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जो जिसके बेस पर दोनों पार्टीज़ ने एक दूसरे के साथ अपनी एक्सेप्टेंस दी है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं, ठीक है, थीके? और इसी के बेसिस पर जिसमें सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन बेसिकली लिखी जाती हैं इंश्योरेंस की, तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है और इसी के बेसिस पर एट दी एंड अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो पेमेंट की जाती है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स और नेचर। कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स और नेचर क्या है इंश्योरेंस के। सबसे पहला क्या कहते हैं हमें, दैट इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इंश्योरेंस क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो पार्टीज इंश्योरर एंड इंश्योर्ड एंटर करते हैं और ये जो इंश्योरेंस है वो किसके अंडर आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर ये इसे माना जाता है। सारे के सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिक्वायर्ड हैं, उसे वैलिड बनाने के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो इंश्योरेंस में होने चाहिए तभी उसे वैलिड माना जाएगा और ये रिटर्न में होता है बेसिकली दोनों पार्टीज़ के बीच में, जहाँ पर जो रिस्क है वो शिफ्ट किया जाता है किसके थ्रू, इंश्योर्ड से इंश्योरर को, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ द सेफ्टी अगेंस्ट अ रिस्क। सेफ्टी अगेंस्ट अ रिस्क में बेसिकली क्या है, देखिए जो रिस्क है दैट मे बी रिस्क ऑफ द लाइफ और आपका अदर टाइप का किसी भी टाइप का यहाँ पर रिस्क हो सकता है जो बेसिकली पार्टीज़ को होता है, तो इंश्योरेंस एक तरह से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, किसी की लाइफ के लिए भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, तो एक तरह से ये मेथड है आपके रिस्क को रिड्यूस करने का। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, जो आपका इंश्योरेंस है वो अलग अलग टाइप के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड करता है, बहुत सारे इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़े, नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हमारा, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स आपके अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। प्रिंसिपल्स आपके बेसिकली कौन से होते हैं, एटमोस्ट अ गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, क्लॉज प्रेक्सिमा, सेब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेब्रोगेशन, अलग अलग काफ़ी टाइप के प्रिंसिपल्स हैं। तो कहते हैं जो इंश्योरेंस जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रिंसिपल्स हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पर अपने आप अप्लाई हो जाते हैं।
नेक्स्ट कहता है इंश्योरेंस हैज़ अ वाइड स्कोप, कहता है आप इंश्योरेंस बहुत अलग अलग तरीकों का करवा सकते हो, डिफरेंट टाइप्स हैं इंश्योरेंस के अवेलेबल हैं। बेसिकली हम इन्हें डिवाइड करते हैं लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में। जनरल इंश्योरेंस में आपके बहुत सारे इंश्योरेंस आते हैं, फायर इंश्योरेंस, लायबिलिटी इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। तो एक तरह से आपका क्या है, आपका जो स्कोप है इंश्योरेंस का वो बहुत ही वाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कॉपरेटिव, हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि जो आपका इंश्योरेंस है, ठीक है, वो किस क्या माना जाता है, किस पर डिपेंड करता है, एक सबके लिए तथा सबके लिए एक। तो इसमें क्या कहता है कि सबको एक ही तरह के आपका जो भी रिस्क होता है, बहुत सारे लोग हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स हैं, वो एंटर करते हैं, फाइनेंशियल लॉस को शेयर करते हैं। एक तरह से आप क्या कहते हो, पुलिंग होती है यहाँ पर, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हमने कहा था ना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, क्योंकि बहुत सारे लोग एक जैसे, जिनको एक टाइप का रिस्क है, वो एक जगह इकट्ठे होंगे और जो उनका रिस्क होगा वो सब में बट जाएगा, डाइवर्सिफाई हो जाएगा। वो एक अलग बात है कि किसी के साथ सिंपल, किसी ना किसी एक दो के साथ मुश्किल से वो मिस हैपनिंग होती है, ठीक है। तो एक तरह से क्या होगा, कहते हैं ये ऐसी कोऑपरेटिव टेक्निक है जिसमें आप इंश्योरेंस ले सकते हो, तो आपको उतना ज़्यादा प्रेशर महसूस नहीं होता कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में, क्योंकि आपको जो प्रीमियम है वो भी एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में पे करना पड़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ द पेमेंट। अमाउंट ऑफ द पेमेंट आपका बेसिकली क्या है यहाँ पे, कि वो अमाउंट जो डिपेंड करता है कि आपको कितने किस तरह का रिस्क है, ठीक है। जैसे अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, किसी की लाइफ के लॉस को आप कभी भी माप नहीं सकते कि उसकी वजह से कितना लॉस होगा, पर एक पर्टिकुलर अमाउंट नॉर्मली डिसाइड किया जाता है जिसके अकॉर्डिंग पार्टी है, जो इंश्योर्ड है, वो प्रीमियम पे करने के लिए रेडी होता है, और वो उसकी डेथ के केस में पे किया जाता है, या फिर डेथ नहीं होती है तो एक पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो पे कर दिया जाता है। इसी तरह जनरल इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, जनरल इंश्योरेंस में आप एक अप्रोप्रिएट अमाउंट डिसाइड कर सकते हो, जबकि लाइफ इंश्योरेंस में वो चीज़ डिसाइड नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज़ इवैल्यूएशन ऑफ अ रिस्क। इवैल्यूएशन ऑफ अ रिस्क में बेसिकली आपका क्या है कि भाई जो भी इंश्योरेंस है उसमें आपका एक तरह इसकी इसका एक मेन इम्पॉर्टेंस हो जाती है कि आप आसानी से पर्टिकुलर कितना आपको इंश्योरेंस करवाना है, कितने अमाउंट का इंश्योरेंस करवाना है वो डिसाइड होता है, ठीक है। आप अपने रिस्क के बेसिस पर आप इंश्योरेंस का अमाउंट डिसाइड करते हो और उसी के बेसिस पर आपका प्रीमियम डिसाइड होता है। तो एक तरह से आप कह लीजिए, आप आसानी से सबसे पहले आपको रिस्क इवैल्यूएट करना है कि भाई मुझे कितना खतरा है। जैसा कि जनरल इंश्योरेंस में देखें, वो क्लियरली मेंशन हो जाता है कि आपका जितने का, फायर इंश्योरेंस में जैसे एग्जांपल लिया कि कितने का आपको लॉस हो सकता है, कितना मटेरियल आपके पास पड़ा है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग लेते हो। तो इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क इसमें होता है। नेक्स्ट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ द रिस्क। ट्रांसफ़र ऑफ द रिस्क, आपका यहाँ पर रिस्क जो है वो क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है किससे, इंश्योर्ड से इंश्योरर को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है। और जो भी लॉस अगर वो मिस हैपनिंग होती है, तो यहाँ पर लॉस कौन बियर करता है, इंश्योरर, या फिर कह लीजिए इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस इज़ नॉट अ गैम्बलिंग। तो देखिए इंश्योरेंस है वो कोई जुआ नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। गैम्बलिंग में बेसिकली आपका क्या होता है कि आप जीत भी सकते हो, ठीक है, और हार भी सकते हो, ठीक है। आपको वो जो पर्टिकुलर आपने अमाउंट लगाया वो आपको रिटर्न में आ सकता है, डबल होकर भी या फिर नहीं भी आए, वो चीज़ होती है। जबकि अगर हम इंश्योरेंस की बात करें, तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको वो पर्टिकुलर लॉस होता है, ठीक है, तो ही आपको वो अमाउंट पे कर दिया जाता है, ठीक है। वो पर्टिकुलर अगर आपको लॉस हो गया, ठीक है, तो आपको अमाउंट पे कर दिया जाएगा। तो बेसिकली लॉस है तो ही पे किया जाएगा, नहीं तो नहीं। दैट मीन्स ये क्लियर आपके पास पॉइंट है। जबकि गैम्बलिंग में आप टोटली, आप ये कह लीजिए सिचुएशन बिल्कुल अनसर्टेन होती है, तो वहाँ पर आप इंश्योरेंस को गैम्बलिंग नहीं समझ सकते। नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज़ इंश्योरेंस इज़ नॉट अ चैरिटी। देखिए इंश्योरेंस कोई चैरिटी नहीं है। चैरिटी में क्या होता है, आप कहीं पर भी एज अ पैसा कह लीजिए, कुछ भी मटेरियल या गुड्स जो भी आप देते हो, आप किसी भी मोटिव के बिना देते हो, कोई इंटरेस्ट आपका नहीं होता। लेकिन इंश्योरेंस में एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस तभी कराता है जब उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, पर्टिकुलर गुड में, प्रॉपर्टी में उसका इंटरेस्ट होता है, ठीक है। यही हमारा जो प्रिंसिपल था, ठीक है, इसमें एक प्रिंसिपल भी आता है, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि भाई आप इंश्योरेंस तभी करवा सकते हो जब उस प्रॉपर्टी में, पर्सन में आपका इंटरेस्ट हो।
नेक्स्ट ही आ गया ये चीज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि भाई इंश्योरेंस उसी का किया जा सकता है, उसी वस्तु का किया जा सकता है, उसी गुड का किया जा सकता है, प्रॉपर्टी का किया जा सकता है जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन को इंटरेस्ट हो। अगर उसमें कुछ नुकसान हो जाता है तो उसका इंटरेस्ट इफेक्ट होगा। जैसे अगर कहते हैं किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उससे फैमिली इफेक्ट होती है, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी जल जाती है, उसका घर है खुद का वो जल गया तो उसको लॉस होगा। तो इस इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी का किसी प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं है लेकिन वो उसका इंश्योरेंस करवाना चाहती है, तो ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज दी सैब्रोगेशन। सैब्रोगेशन में देख लीजिए क्या है कि अगर जो इंश्योर्ड है उसने इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है, इंश्योरेंस करवा लिया, फॉर एन एग्जाम्पल हम फायर इंश्योरेंस का एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए किसी ने अपने घर का इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है, लेकिन उसमें आग लग गई और वो जल गया, लेकिन वो इतना पूरा तरह से भी नहीं जला, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें हैं जिससे इंश्योरेंस कंपनी कुछ अपना अमाउंट निकाल सकती है। तो इसमें क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कैसे निकाल सकते हैं अमाउंट, वो तो उसका है नहीं, लेकिन जब आप ये देखें आप फायर इंश्योरेंस करवाते हो या ठीक है, तो उस सिचुएशन में बेसिकली जनरल इंश्योरेंस में ये कॉन्सेप्ट आता है सैब्रोगेशन का, कि जिस भी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया गया है, मटेरियल का इंश्योरेंस या गुड्स का इंश्योरेंस करवाया गया है, अगर वो वो जो जिस इवेंट के लिए वो करवाया गया था अभी उसमें आग लग गया, कोई भी मिसहैपनिंग हो गई, तो उसके बाद जैसे ही वो प्रॉपर्टी डैमेज हो जाएगी तो कौन कवर अप कर लेगा उसको, इंश्योरेंस कंपनी, वो इंश्योरेंस कंपनी उसको अंडरटेक कर लेगी। इंश्योर्ड पर्सन का उस पर कोई भी हक नहीं रहेगा। जैसे घर जला तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी उस घर को क्या कर लेगी, ओवरटेक कर लेगी, और जितना अमाउंट का इंश्योरेंस करवाया गया था वो इंश्योर्ड को पे कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद उसमें जो भी जो प्रॉपर्टी है कुछ बचता है या कुछ भी है, ठीक है, तो उसको ओवरटेक करने का काम या उसको खरीदने या बेचने का काम या कुछ उससे अपना कुछ पैसे निकालने का काम भी कुछ तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी को बच जाए, तो वो किसका होगा, इंश्योरेंस कंपनी का। तो इसे हम कहते हैं सैब्रोगेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ गुड फेथ। कहता है जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, जो इंश्योरेंस किया जाता है वो गुड फेथ पर किया जाता है, दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देती है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को सारी इन्फॉर्मेशन देती है कि किस टाइप का इंश्योरेंस करा रहा है, उसे क्या फ़ायदा है उससे, ठीक है, सारी की सारी प्रोज एंड कॉन्स इंश्योरेंस कंपनी को बताने होते हैं। सेम एज इट इज़ जो इंश्योर्ड है वो अपने से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही देता है इंश्योरेंस कंपनी को, उसकी एज वाइज, हेल्थ वाइज, सारी इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स दोनों जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो गुड फेथ के बेसिस पे किया जाता है। नेक्स्ट इज द सर्टेनिटी एंड कंटीजेंसी। सर्टेनिटी एंड कंटीजेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कहता है कि आपका जो जीवन बीमा है, ठीक है, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस है बेसिकली, उस सिचुएशन में आपका क्या होता है, सर्टेनिटी का प्रिंसिपल आ जाता है कि भाई आपको पता है चाहे मृत्यु हो, डेथ हो पर्सन की या ना हो, ठीक है, उसको अमाउंट पे किया जाएगा आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन कंटीजेंसी वाला जो है ये चीज़ कहाँ अप्लाई होती है, बेसिकली जनरल इंश्योरेंस में, जहाँ पर इवेंट पता नहीं ऑक्योर होगा या नहीं होगा, अनसर्टेन सिचुएशन है, इसीलिए भुगतान तभी किया जाता है, पेमेंट तभी की जाती है जब उस पर्सन वो मिस हैपनिंग हो जाती है, वो इवेंट ऑक्योर हो जाता है जिसके अगेंस्ट इंश्योरेंस लिया गया था, ठीक है। तो ये थे आपके करेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ इंश्योरेंस। आज के लिए इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।